हेलो फ्रेंड्स, पिंक एंड क्रिंची में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी स्टाइल घुंघरी की चाट। ये गेहूं की चाट होती है, गेहूं के दाने की, जिसे हम बॉईल कर बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये हमने एक कप गेहूं है, जिन्हें हमने साफ कर 24 घंटे भिगो कर ले लिया है, और अब इन्हें हम बॉईल करते हैं। गेहूं को हमने कुकर में ट्रांसफर कर लिया है और अब डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक, ताकि गेहूं के अंदर नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब डालेंगे 2 कप पानी। ढक्कन लगाकर गैस पे चढ़ा देते हैं। तो हमने ढक्कन लगा दिया है और अब हम 1 सीटी हाई फ्लेम पर आने देते हैं और फिर फ्लेम को लो कर देंगे और 8 से 10 सीटियां आने देंगे लो फ्लेम पर। तो चलिए सीटी का इंतजार करते हैं। प्रेशर रिलीज हो चुका है तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे गेहूं अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और अब इन्हें हम इसका पानी अलग कर लेते हैं। हमने बॉईल गेहूं के दानों को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और अब डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक, क्योंकि हमने पहले से ही व्हाइट नमक डालकर ही बॉईल किया था, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ी प्याज को बारीक चॉप करके ले लिया है, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/4 रेड चिली पाउडर। और अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये चाट बहुत ही ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक होती है, न्यूट्रिशन युक्त होती है। आप इसे बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब नींबू निचोड़ देते हैं। तो हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। नींबू डालने के बाद भी मिक्स कर देते हैं अच्छे से, ताकि सभी जगह अच्छे से नींबू मिल जाए। और अब डालेंगे हम ग्रीन ओनियन लीव्स, ये ऑप्शनल है, मन करे तो डालें, लेकिन ये भी अच्छी लगती हैं। तो हमारी यूपी स्टाइल गेहूं की घुंघरी बनकर तैयार है। बनाएं और घर में सभी को खिलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।